स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी फोर्थ लॉ फॉर SHM एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. इफ द फोर्स इज स्टिल बैलेंस देन द बॉडी विल कम टू रेस्ट इन न्यू पोजिशन. इन दिस केस द बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सपोज दैट एक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का ये मिड पॉइंट है O, ठीक है. ये एक्सट्रीम पॉइंट है D और ये है C और ये कोई पॉइंट है P, ठीक है. पार्टिकल ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, y, ठीक है. पॉइंट पी पर पार्टिकल वाइब्रेशन कैसे करता है या ऑसिलेशन इस तरह से करता है, ठीक है. तो ये बाई है. अगर सपोज दैट पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया जाए और डिस्प्लेस करने के बाद वो कोई न्यू पोजीशन पे आ जाए तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा. कैसा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, इसमें तीन कंडीशन बनती हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अब न्यू पोजीशन में आ जाए उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल तब होगा सपोज दैट पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है और वो पॉइंट पी पे हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन करके, ठीक है, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन मतलब मीन पोजीशन पर आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम की तीन पोजीशंस होती हैं, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक. अब सपोज दैट पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है तो एक सेंटर की ओर या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर एक फोर्स लगता है, हम जिसे क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है F इक्वल माइनस के बाई. के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है और बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं, F इक्वल के बाई को फोर्स लॉ फॉर SHM, फोर्स लॉ फॉर SHM. ये क्या है, फोर्स लॉ फॉर SHM है. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, किसके, बिटवीन F और बाई के बीच, F और बाई, या इसे हम F प्रोपोर्शनल बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं F और बाई के बीच, ठीक है. ये है F और ये है सपोज दैट बाई, ठीक है. तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो आएगा स्ट्रेट लाइन. कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो ग्राफ आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन. अब बात करते हैं एसिलेशन ऑफ द बॉडी इन SHM. एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन ऑफ द बॉडी इन SHM. तो एसिलेशन का फॉर्मूला ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, दिस इज द एसिलेशन, ठीक है. अब रीस्टोरिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी एफ इक्वल एफ ए, क्या होगा, एफ इक्वल एम ए. दिस इज द इक्वेशन नंबर सपोज दैट कह देते हैं 2 और दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है. तो F इक्वल रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल ma, तो ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी F इक्वल ma, तो F इक्वल माइनस m. अब इन प्लेस ऑफ a क्या लगा देंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर बाई, ठीक है. और एफ रीस्टोरिंग फोर्स, एफ इक्वल क्या था, माइनस के वाई इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर बाई. कुछ कैंसिल हुआ, वाई से बाई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया. तो यहाँ से हम देखते हैं के की वैल्यू क्या आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, के अपॉन एम. तो ओमेगा इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट के ओवर एम. ये ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है.
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइम पीरियड के लिए देखेंगे क्या फार्मूला इस्टेब्लिश होगा।